ऐसी शक्ल का यू आई है इसका, और इसमें वो क्या कहते हैं, ऑल एप्स, एप्स फुल फोन है, फुल भैया आपने तो इसकी वर्जिनिटी लूज कर दी भाई। सनरूफ तो भाई ये क्रेटा को एक महीने हो गए हैं, बेल्ट पहन लो भाई, सेफ्टी इज फर्स्ट चीज। देखो ऐसे लोग सेफ्टी भी पहनते हैं, फिर एयरबैग नहीं खोलेंगे, फिर हुंडई को गाली देंगे। एयरबैग खुलते हैं भाई बिना बेल्ट लगाए भी, एयरबैग खुलते हैं। पूछ के आया हूं सर्विस सेंटर पे, देख रहे हो आप सब पूछ पाछ के आ गए। एयरबैग खुलते हैं भाई अगर बेल्ट ना भी लगा रखे हो तो भी। और मास्क क्यों नहीं पहना हुआ आपने? उन्होंने सारे पैसे क्रेटा लेने में खर्च कर दिए, सारे पैसे। दो रुपए का और रोमसन का मास्क भी नहीं खरीदा भाई। ये पन्नी क्यों उतार रहा तू? पन्नी नहीं उतार रहा मैं, अभी बस ये देख रहा हूँ कि कोई दिक्कत विक्कत हो गई अगर इसमें पन्नी उतार दी तो फिर वो कहेगा भैया आपने तो इसकी वर्जिनिटी लूज कर दी भाई। ये सनरूफ से बाहर कब निकलेगा भाई? सनरूफ मैं बता तो दिया था तेरे को, ऊपर ही बैठ के चलाऊंगा गाड़ी। तो बाहर कब निकलेगा सनरूफ से? बेंच इसमें देख कितना लाला लग रहा है बंदा। ये गाड़ी कितनी बार ठोकी है अभी तक भाई? गाड़ी एक भी बार नहीं ठोकी, गाड़ी ठोकूंगा क्यों? स्क्रैच और ऐसा। अच्छा तुम तो गुड़गांव रहते हो ना, अगर तुम रहते लक्ष्मी नगर जगतपुरी, लक्ष्मी नगर रहते तो फिर ये गाड़ी ही नहीं लेते भाई। ये भी है लक्ष्मी नगर, बाद में कूलरों के बीच में फंस जाती फिर कूलर कटवाओ हमें गाड़ी लेके जाओ। कूलरों में फंस गई, वैन जो चेनों में फंस गई। मेरी गाड़ी का एंटीना कुत्ता चबा गया, उसको वेंचर वो कैल्शियम बोन समझ रहा है। देखते हैं ये वोरा पुलिस वोरा बैरियर और देखते हैं उससे पहले ये मास्क लगा पाएंगे। अरे लगा लिया, चीते आदमी है ये। स्टीरियो कैसा लग रहा है आपको भाई? स्टीरियो लग रहा है बढ़िया। देख ये भी तो पूछ चुका है, मैं बताता हूँ इसमें दिक्कत क्या है। थोड़ी बहुत एक आध दिक्कत भी है इसमें, जैसे कि बढ़िया भी है। देख जैसे कि बताता हूँ कि इसमें एंड्रॉइड ऑटो तो नहीं आता, जो कि करोल बाग वाले बोलेंगे कि इसमें आता है, बट इसमें नहीं है एंड्रॉइड ऑटो। वो फिर बाद में कह देते हैं कि भैया स्क्रीन ही एंड्रॉइड है आपकी, तो एंड्रॉइड ऑटो क्यों चाहिए आपको? मैंने बोला भैया मेरे को तो यूआई के लिए चाहिए ना ऑटो, तो वो एंड्रॉइड ऑटो तो नहीं आएगा इसके अंदर। ठीक है, इसका यूआई है, यूआई दिखा दे। ठीक है, ये ऐसी शक्ल का है, ऐसी शक्ल का यूआई है इसका, और इसमें वो क्या कहते हैं, ऑल एप्स, एप्स फुल फोन है, फुल एंड्रॉइड फोन है ये, टैबलेट है, चप्पल है 10 इंच की, हॉटस्पॉट भी कनेक्ट होता है, पर इसकी शक्ल वगल काफी अच्छी है, ओरिजिनल जैसा लगता है दूर से। ठीक है, टच अच्छा है भाई इसका, डिस्प्ले क्वालिटी भी अच्छी है इसकी। दिक्कत आती है इसमें एक चीज में, मैप में। अच्छा मैप में बहुत देर में लोड होता है। एक तो मैप थोड़ा सा लैग करके चलता है। ठीक है और दिक्कत आती है भाई, इतने ऐसे इसको टाइप करना पड़ता है यहाँ पे। हाँ भाई वो तो है, तो भाई ये दिक्कत है। वॉइस कमांड वॉइस वाला भाई मैंने चलाने की कोशिश करी, बट वॉइस वाला ना चला नहीं इसके अंदर। क्यों नहीं चल रहा? हाँ भाई ये चल नहीं रहा, वॉइस वाला चल नहीं रहा भाई, बटन पता नहीं क्यों नहीं चल रहा, देखूंगा इसको भी अभी, आज ही दिक्कत मालूम पड़ी है वाली भी। लेकिन फिर इसको टाइप करना पड़ता है भाई। हाँ, ऐसे तो मैं फिर गाड़ी रोक के बिल्कुल टाइप वाइप करके फिर चलाना पड़ेगा भाई। ये तो बहुत झंझट, थोड़ा सा लैग करता है मैप, जैसे कोई कॉल वॉल आ जाए बीच में तो एकदम से गायब हो जाएगा वो, तो चलो मिनिमाइज हो जाता है, छोटा हो जाता है, बट रूट गायब हो जाता है मैप में से एकदम से, फिर वो रिफ्रेश होके आता है। मतलब इसमें वॉइस रिकॉग्निशन अभी नहीं चल रहा? वॉइस रिकॉग्निशन मेरे ख्याल से यूट्यूब में चलता है, लेकिन उसमें नहीं चल रहा, मतलब बिल्कुल ऐसा लगेगा कि वो होता है ना खजरो वाला जो होता है वैसा लगेगा बिल्कुल, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी इसमें कोई थीम डाल लो, टिप्स बता रहा हूँ ना, मैं तो करता ही यूआई का काम हूँ मैं। आप तो रशियन नचा सकते हो इसमें? तो भाई सब नचा दूंगा मैं इसके। भाई इसमें हमारा व्लॉग देखते हो आप? भाई मैं तो पूरे टाइम व्लॉग ही देखता हूँ, गाने सुनने के लिए थोड़ी लगवाया मैंने, व्लॉग देखने के लिए लगवाया। फिर ठीक है भाई, सनरूफ से बाहर निकल लो। करूँ क्या कोशिश? नहीं नहीं मैं निकलूंगा ना, तू क्यों निकलेगा भाई? सनरूफ तब जाके तो बनियान तिरपाल होता ना, जो तंबू टेंट बनाते है ना जिससे तिरपाल, वो उससे कपड़े बनते है इसके। यूट्यूब चैनल पे आप बॉडी शेविंग कर रहे हो, बताओ हम करेंगे मोटे का मोटा ना बोले भोसड़ी के। हम तो भोसड़ी के भी बोलेंगे, मोटा तो बोलेंगे ही भाई। यूआई दिखा देते भाई, यूआई देखो आप बस। ये थोड़ा सा ये भारतीय एयरटेल है ना, ये भी तो कम चोट नहीं फैलाता। देख जैसे ये यूआई है, ठीक है,
ले जैसे तू कोई भी गाना चला ले, ये वाला सब। अब पता है होता क्या है, ये पूरी स्क्रीन पे आ जाएगा। अब सजेशन वाली चीज बिल्कुल वही सेम तरीका है कि भैया नीचे से यूं ऊपर ड्रैग करो, फिर इसको ऐसे ऐसे नॉच नॉच, वो तो फिट टू स्क्रीन हो जाता है। अपना अपना जितने भी वीडियो का साइज होगा उस हिसाब से अपना एडजस्ट हो जाएगा। कार्ड स्क्रीन में और देखा था उसमें क्या होता है, यूआई हो जाता है, इधर देख पे UI चलेगा इतने पार्ट में 60, अच्छा समझ गया 60 और आधे में 40% में तुम्हारा सजेशन वाली वीडियो आ जाती है। और कोई अगर मैप वैप चला रहा है तो हो जाएगा शायद, नहीं होता इसमें नहीं। यहां तक मेरे को पता है हाइपरसोनिक वाली स्क्रीन में वो 60-40 का रेशियो बन जाता है। बट हाइपरसोनिक की स्क्रीन बिल्कुल चाइनीज लगती है एकदम, वो तो है फुल फर्जी, फुल पावर फर्जी। मतलब तो आप कितने कितने आरपीएम तक गाड़ी खींच सकते हो भाई? मैंने तो अभी तक 140 तक चलाई है, इससे ऊपर नहीं चलाई है। भाई तन में जैसा बंदा 200 से नीचे गाड़ी नहीं चलाता वो। भाई तन में जैसा बंदा अगर गाड़ी में बैठा हो कोई गाड़ी 200 नहीं पहुंच सकती। ठीक है, कितने की स्क्रीन थी है? भाई स्क्रीन पड़ी थी 15,000 की, 16,500 की थी। और डिस्काउंट लेने के लिए बोलना कि शुभम सैनी की वीडियो देख के आए हैं, आपके यहाँ पे ब्लॉग बना के गए थे। वरना और क्रेटा दोनों में काम कराया था, वीडियो डाल दियो ऊपर, कौन सा बटन होता है आई बटन, उसके अंदर भाई आप उनको वीडियो पे दिखा दोगे वो पहचान जाएंगे आपको, वो डिस्काउंट दे देंगे, डिस्काउंट दे देंगे। पूरा भाई देखो बिट्टू चिकन ईस्ट दिल्ली में आओ तो आप जरूर ट्राई कर सकते हो। अगर ईस्ट दिल्ली में आओ तो मैं पहले यही कहूंगा मत ही आना। जैसे ये बंदा कोटगांव से स्पेशली यहाँ पर आया 500 का तेल बुक के सिर्फ बिट्टू चिकन खाने के लिए। ये 5 साल की उम्र में भैंसा काट दिया था इसने। चाइना का टाइम देखो भाई, चाइनीज स्क्रीन है, चाइना का टाइम पावर, चाइना का टाइम आ रहा है भाई। चाइना में बज रहे हैं इस टाइम 8:50। मतलब इसमें तू 10 में से अगर मेरे से पूछेगा ना, पूछना भोसड़ी के कब पूछेगा तो भाई 10 में से कितने देने आपको? 10 स्क्रीन में से मैं भाई दूंगा इसको 7। बाकी 3 नंबर किस बात के काट रहे हो भाई? एक तो वो यूट्यूब वाली जो बताई, थोड़ा यूआई का मान ले और थोड़ा मैप अटकता है, मैप को सर्च करने का। तो भाई तो दो रिकमेंड करेगा ना बंदों को लगवाने के लिए भाई? हाँ मतलब ठीक है, अगर मैं फिर भी यही कहूंगा कि हाइपरसोनिक लेने से बढ़िया है ये लो। हाइपरसोनिक वाली चीज बिल्कुल लोकल दिखेगी एकदम। अगर तुम 15 लाख रुपए भाई गाड़ी पे खर्च रहे हो तो भाई फिर लोकल दिखने वाली चीज मत लगाओ, इतनी सी बात है बस। वो तो है, थोड़ी प्रीमियम लुक देती है बस, क्योंकि क्योंकि क्रेटा की भाई वही स्टॉक स्क्रीन ऐसी आ रही थी पहले, अब जो आ नहीं रही है। पर हाँ ये है कि ठीक है, ओवरऑल लुक पूरी कर देती है। वरना अगर तुम वही हाइपरसोनिक या कोई और ब्रांड देखोगे वो थोड़ी सी चाइनीज तो लगती है, फील भी चाइनीज ही। मैं नहीं कह रहा कि ये चाइनीज नहीं है, बट इसकी शक्ल तो अच्छी है ना लुक वाइज, और वो सब फिजिकल बटन दे रखे हैं भाई तो वो भी थोड़ा बहुत हेल्प कर देते हैं। तो भाई यही था, अगर आपको लगवानी हो आप हमें कांटेक्ट करना, हम आपको कांटेक्ट देंगे, आपको डिस्काउंट दिलवाएंगे। तो भाई ठीक है, यही है, बाय बाय।